जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान 45 यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस पीछे से एक ट्रक में जा घुसी है, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि 15 यात्रियों को लेकर बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। इस घटना के दौरान मौके पर ही बस में चीख पुकार मच गई थी और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि राहगीरों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी है और इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए हैं, जिसके दौरान मौके पर हड़कंप मच गया है। यह पूरा मामला बरेली के फरीदपुर से निकल कर आ रहा है, जहां पर हरदोई से दिल्ली जा रही थी बस और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने सभी को फरीदपुर अस्पताल में भिजवाया है और यात्रियों ने पुलिस को बताया कि चालक संजीव कुमार हरदोई से ही तेज गति से गाड़ी को चला रहा था और कई बार यात्रियों ने विरोध किया तो चालक फिर से बस को दौड़ाने लगा है, जिसके दौरान बरेली में बस ट्रक में जा घुसी है। दरअसल जानकारी के अनुसार फरीदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचोमी गांव के पास रात करीब 10:30 बजे के आसपास यह घटना हुई है। हरदोई से दिल्ली जा रही थी परिवहन विभाग की बस पीछे से अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक में भिड़ गई है और जोरदार भिड़ंत के बाद तेज आवाज हुई है तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं और ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि अधिकतर लोग सभी नींद में थे, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू करते हुए बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।